हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ये गृह प्रवेश का सबसे लास्ट पार्ट आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरे पहले जो दो पार्ट्स हैं ये इस वीडियो के, उनको बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे का दिखाती हूँ आपको कि आगे क्या क्या हुआ था उस दिन गृह प्रवेश की पूजा वाले दिन। तो बने रहिएगा एंड तक और इस वीडियो को भी फुल इन्जॉय कीजिएगा। और अब संपूर्ण आहुति के बाद यहाँ पर हो रही है आरती। तो आ जाइए आप सब लोग भी हमारे साथ आरती ले लीजिए। जगदीश हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे, मुझी जय हो राधा कृष्ण हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के हरे। ओम जय जगदीश हरे, मुझे कृष्ण भगवान की जय, गिरोप भगवान और अब भैया ना सबको घर दिखा रहे थे कि यहाँ पे ये बनवाया है, यहाँ पे ये बनवाया है। तो जब नया नया घर बनता है, सब लोग जब पहली बार आते हैं तो घर देखने की इच्छा सबको होती है कि क्या कैसा घर है, कैसा नहीं है, कहाँ पे क्या बना हुआ है। तो बस वही सब हो रहा था, भैया सबको घर दिखा रहे थे। और इसके बाद हमने किए थे भैया और भाभी के टीके। फिर उसके बाद बस खाने की तैयारी हो गई थी, लेकिन खाने के टाइम मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, पसीने पसीने हो गए थे। और बस ये हो रहा था कि फटाफट से खाना खाएं और अंदर जाके एसी में आराम से बैठ जाएं, क्योंकि बहुत ही घबराहट होने लगी थी। और उसके बाद एक ही दम से इतनी तेज़ बारिश आई कि पूछिए मत। तो उस टाइम तो सब कुछ बाहर से समेटने का होने लगा था कि फटाफट से सारा काम समेटें और अंदर चलें, तो इस वजह से कुछ भी शूट नहीं कर पाई। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, जितना भी मैंने शूट किया, पूरी कोशिश की, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर अभी मेरी बुआ जी जो हैं वो टीके कर रही थी, उसके बाद मैं करूँगी टीके, मीन्स की तिलक। प्रणव किचन भी आ रहा है।
और यहाँ पे ना तिलक करते टाइम हमारे मामा जी का बेटा ये देखिए पीछे खड़ा है फूल लेके, वो इन दोनों के ऊपर फूलों की बारिश कर रहा था, बस उसी के लिए मजाक मस्ती चल रही थी। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे फंक्शंस पे सबसे मिलना जुलना होता है। लड्डू खाने हैं? लड्डू थोड़ा सा खा लिया। चलो थैंक यू। मौसी जी इधर देखने को जी, हाथ लगाओ। कीवी की वीडियो बनाओ भाई, कीवी की वीडियो बनाओ। कीवी भी आई हुई है, कीवी भी आई हुई है। इंस्टाग्राम का मॉडल, इंस्टाग्राम की आईडी बताओ अपनी। अंकिता अग्रवाल, अंकिता अग्रवाल। इंस्टा आईडी बोल दो अच्छे से। हेलो गाइस, मेरी आईडी देख लो इंस्टाग्राम की, AI-KIT7885। बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाती है, मेरी हॉबी है, तो जो भी कोई इनको फॉलो करना चाहे प्लीज फॉलो कीजिएगा जरूर। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को इनकी रील्स बहुत बहुत पसंद आने वाली है। और यहाँ पे अब सब बुआ और बैठ गई थी एक साथ इकट्ठी होके, जो भी कोई कुछ सामान लाया था वो सब आपस में दे ले रहे थे बुआ जी और मम्मी को। ये 50 के हैं, ये 100 के हैं, मेरा साइज मेरा नाम बोल रहे हैं, अरे नहीं अच्छे वाले हो रहेगा और ना यहाँ पे ये जो मेरी बुआ जी हैं ये मेरा नाम ले रही थी बार बार, आशु आशु। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आशु मेरा घर का नाम है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले सब लोग मुझे आशु ही बुलाते थे, और अभी भी मायके में सब लोग आशु ही बोलते हैं। तो यहाँ पे सब लोग दे रहे थे चूड़ियाँ, मम्मी को दिखा रही थी बुआ जी और लेके आई थी, जो एक्चुअली बुआ के घर के पास ही एक होलसेल की चूड़ियों की दुकान है, वहाँ पे बहुत अच्छे रेट में चूड़ियाँ मिल जाती हैं। तो बुआ जी सबके लिए लाई थी, वही दिखा रही थी कि जिसको जो भी पसंद हो ले लो। और ये देखिए राखियाँ, यहाँ पे राखियाँ भी बुआ जी और सब एडवांस में ले आए थे, क्योंकि फिर आगे पता नहीं कैसा टाइम आएगा। अभी सुनने में आ रहा है थर्ड वेव, तो सबने सोचा कि अभी मिले हैं तो अभी पकड़ा देते हैं, बाकी आगे जब राखियाँ आएंगी तो देखते हैं कैसा टाइम होगा। तो वही सब चल रहा था, और आगे बच्चों ने किया थोड़ा बहुत डांस, जो कि मैं आप सबके साथ अपनी शॉर्ट वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। और आदि को देख के ज़रा, इस गुड़िया को कैसे देख रहा है डांस करते हुए, आगे आगे ये भी कर रहा था थोड़ा सा डांस इसी के साथ, वो भी मैं आपको भी शेयर करूँगी। तो ये हमारा छोटा सा फंक्शन, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो बस यहीं तक का था सेलिब्रेशन, और इसके बाद हम लोग निकल गए थे
वापस अपने घर आने के लिए, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी तो इस वजह से सब लोगों ने वहीं पे चेंज कर लिया था। आप लोगों ने देखा ही होगा बाद में जब हम सब लोग इकट्ठे बैठे थे, मेरी बुआ जी और हम सब लोग, तो सब ने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो अब ये देखिए हम लोग चल चुके हैं और गाड़ी में बच्चे सो गए हैं, सबको थकावट हो गई थी। पहले दिन भी अच्छे से नहीं रेस्ट हो पाया क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया था कल ट्रैक पे जाने की वजह से। फिर रात को बैठ गए थे बातचीत करने के लिए, 12:30 बज गए थे। तो अब यहाँ गाड़ी में आते आते बच्चे सो गए थे और थोड़ी देर के लिए जब आदि जागा तो आगे चला गया अपने पापा के पास, उनके साथ मस्तियाँ कर रहा था। ये देखिए कैसा प्यारा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। तो बस यही था मेरा वीडियो गृह प्रवेश का, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया ताकि एक बारी में बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और आप लोग अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। तो कैसा लगा मेरा ये लास्ट वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिएगा।